सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच पी स्टडी हब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टू डेज नाइनटीन नवंबर तो चलिए देखते हैं उन्नीस नवंबर के करंट अफेयर और स्ट्रेटिजिके के, के टॉप टेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जब आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की बात की है आपके ऑप्शन है डब्ल्यू ऑप्शन बी यू ऑप्शन सी एन आई एच या फिर ऑप्शन डी डब्ल्यू टी ओ तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र सेटअप करेगा इंडिया के अंदर डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र सेटअप करने की बात की है और प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है उसमें डब्ल्यू एच ओ के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और को और मजबूती मिलेगी तो प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में फ्रेंड्स आपका गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का भी उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था और ये संस्था देश के सबसे अहम आयुर्वेदा संस्थानों का स्वरूप लेंगे ये दोनों इंस्टीट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की आयुर्वेदा की फील्ड में तो हाल ही में जो वेलनेस अभी डब्ल्यू एच ओ ने बारे में सोचा यानी कि पारंपरिक औषधि के अंदर सेटअप करने की बात की इससे भी जो इंडिया का आयुर्वेदिक औषधि है उनको भी दुनिया में जो है एक नया रूप देखने को मिलेगा ठीक है तो इसका जो तो राइट आंसर होगा वो होगा डब्ल्यू एच ओ और डब्ल्यू एच ओ के प्रेजेंट में डीजी है वो है टेडरस एड होनन गेबरूस ठीक है गेबरूस जो प्रेजेंट में है ये आपके डब्ल्यू एच ओ के डी जी यानी डायरेक्टर जनरल है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर टू अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने भारत में पचास मीट्रिक टन खाद सहायता प्राप्त की है अब क्वेश्चन है सोमालिया ऑप्शन बी तंजानिया ऑप्शन सी जिबूती या फिर ऑप्शन डी नेपाल तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी जी भूती तो हाल ही में भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद सहायता जो उपलब्ध करवाई है विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह कदम सागर टू यानी क्षेत्र में सागर टू फ्रेंड सागर टू जो है ये आपका इंडिया का इनिशिएटिव है जिसके तहत प्रोमिस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको प्रोवाइड कराएंगे अपनी फॉरन कंट्री को नेचुरल क्लाइमेटी को ओवरकम करने के लिए और कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ने के लिए जो फूड की सहायता वो आपको दी जाएगी तो उसी उसी मिशन के तहत अभी हाल ही में इंडिया ने पचास मीट्रिक टन जो है वो फूड जो सहायता वो प्रोवाइड कराई है जी को और सागर जो फ्रेंड यह स्कीम है ये, स्की ये सेकेंड्स का फेज़ है और ये सागर स्टैंड करता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन ठीक फ्रेंड्स और इसके जरिए भारत सरकार ने इसके क्षेत्र के मित्रों देशों को दो सौ सत्तर मीट्रिक टन की मानवीय सेता उपलब्ध करा रही है जिबुत के अलावा इसमें पूर्वी में, पूर में बसा एक एक जिबुत की बात करें फ्रेंड्स पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में इतरिया से पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया से और दक्षिण पूर्व में सोमोलिया से मिलती है तो यहाँ पर मैं आप में देख सकते हैं ये रहा आपका जिबूती ठीक है और ये रहा आपका ऊपर इसके इतरिया इथोपिया और सोमोलिया इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं गल्फ ऑफ एडन के पास की ये कंट्री है ठीक है फ्रेंड्स तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड तीन सुकिया जहाँ ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की किस राज्य तो तो में स्थित है केरला महाराष्ट्र में हाल ही में भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तीन सुखिया में कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की है ठीक है और ये जो है तीन सुखिया में दिन जन वन कुए में दस मीटर हाइड्रोकार्बन वाली रेत पाई गई है और यह खोज उन्हें असम में आगे तेल और गैस की खोज के लिए नए क्षेत्रों को पता लगाने में मदद करेगी और बात करूँ फर्स्ट इंडिया के अंदर लार्ज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो उत्पादक जो ऑयल तेल की कंपनी है इंडिया में वो है फ्रेंड्स आपकी ओ यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और दूसरे नंबर पर आती है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड ठीक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है असम के सीएम की बात करें वो है सर्वानंद सोनावाल सर्वानंद सोनावाल जो है आपके असम के सीएम हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर फोर हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रोफेसर ए एन भादुडी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी मिला है आपके क्वेश्चन है डॉक्टर विजय राज ऑप्शन बी डॉक्टर सुशांत कार ऑप्शन सी डॉक्टर मंगल सिंह या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर तरुण जैन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर का वो होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सुशांत कार तो हाल ही में केंद्रीय औषधीय शोध संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट यानी कि के प्रोफेसर एन ए एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और सुशांत ने लिशमेनिया डोनावानी यानी कि कालाजार रोग पर जीवी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने की दिशा में, में महत्वपूर्ण शोध किया है और प्रेजेंट में वो मोलिकुलर पैरास पैरासिटोलॉजी एंड इमोलॉजिकल विभाग में कार्यरत है ठीक है आपके लिए काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सुशांत कार को जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है प्रोफेसर ए एन भांधुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से हाल ही में इसको सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकॉनिक नियुक्त किया है आपका क्वेश्चन है विराट कोहली स्मृति मिधाना सोनू सूद या फिर वरुण धवन तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर सोनू सूद को हाल ही में आपका चुनाव आयोग ने पंजाब स्टेट का यूथ आइकन जो है सेलेक्ट किया है तो हाल ही में मशहूर अभिनेता सोनू सूद को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजाब स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है पंजाब के मोगा जिले से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता सोनू सूद उस वक्त पूरे देश में चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने कोरोना वायरस यानी कि कोविड नाइन्टीन के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने की मदद की और एक्टर ने मजदूरों के लिए बसों ट्रेनों का इंतजाम भी किया था इस ताकि वो लोग अपने अपने घरों में पहुंच सके तो इससे इन्फ्लुएंस होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें पंजाब स्टेट आइकॉनिक जो है भी बनाया है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर से सिक्स किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है आपके ऑप्शन ए अकबर ऑप्शन बी जहांगीर ऑप्शन सी शाहजहाँ या ऑप्शन डी औरंगजेब तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जहांगीर के जो काल था वो मुगल के काल में उसको कहा जाता था मुगल चित्रकला का उसमें खूब विकास हुआ तो इसलिए उनके काल को जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इनकी गोल्डन एज जो थी मुगल चित्रकला की वो थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था इसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हमने चित्रकला तो अभी वास्तुकला की बात हुई है और क्वेश्चन अकबर जहांगीर शाहजहां या फिर औरंगजेब तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी यानी कि शाहजहाँ तो शाहजहाँ के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंगे जो उस टाइम बनाई थी जैसे ताजमहल आगरा का भी शाहजहाँ ने बनाया था लाल किला दिल्ली में जो प्रेजेंट में है वो भी शाहजहाँ ने बनाया था मोती मस्जिद आगरा की और जामा मस्जिद दिल्ली की ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो आपकी बनाई थी उस वक्त शाहजहाँ ने ठीक है तो इसलिए इसके टाइम पीरियड को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर एट स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो बिफोर इंडिपेंडेंट हमारा वो कौन सा राज्य था जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थी आपके क्वेश्चन है बड़ौदा अकाठ कुर्ग या फिर हैदराबाद तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ौदा तो बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था इसमें सात से बारह वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था तो बड़ौदा वो आपकी स्टेट थी जहाँ पे बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट से पहले स्वतंत्रता से पहले जो प्राथमिक शिक्षा थी प्राइमरी एजुकेशन थी वो थी कंपलसरी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन लोकसभा की सार्वर्धिक सीटें अनुसूचित जनजातियों को किस प्रदेश में आरक्षित हैं तो लोकसभा की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की वो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा दी जाती है आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश राजस्थान आंध्र आंध्रप्रदेश और गुजरात तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं मध्य प्रदेश में कुल ट्वेंटी नाइन लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से सिक्स सीटें जो है वो आपकी रिजर्व है अनुसूचित जनजातियों के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन जिसमें आपसे पूछा है भारत की संसद में कौन होते हैं तो भारत की संसद में कौन कौन होते हैं आपके ऑप्शन है ए लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा और मंत्रिपरिषद ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तो इस क्वेश्चन का जो तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर तो भारत की जो संसद है उसमें इंक्लूड होते हैं आपकी अपर हाउस लोअर हाउस एंड राष्ट्रपति यानी कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तो लोकसभा आपका लोअर हाउस है राज्यसभा आपका अपर हाउस है तो राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है ठीक है तो ये तीनों भारतीय संसद को मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण करते हैं यानी कि बनाते हैं तो इस क्वेश्चन में तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ठीक फ्रेंड्स तो आपने मुझे बताना है आज का फर्स्ट क्वेश्चन और जिसमें आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में भारत में लोकसभा के स्पीकर कौन है ठीक है प्रेजेंट में भारत में लोकसभा के स्पीकर कौन है तो फ्रेंड्स आज के सिलेक्शन में मैंने देखे उन्नीस नवंबर के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के टॉप टेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स अगर आपको इस लेक्चर की वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एच पी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो की पी डी एफ जो है वो आपको मिल जाएगी ठीक और अभी तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें ठीक फ्रेंड्स तब तक अपना फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद